गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल रश्मिक की दुनिया। और अभी हो रही है बहुत ही सुंदर वाली मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर हो रही है हल्की हल्की बारिश, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद मतलब नहाना धोना ये सब करेंगे, तो उसके बाद हम लोग करेंगे अपना तैयारी जो भी चीज है। तो अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और हाय करो, हाय गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ बारिश हो रही है तो बाहर आ गए थे थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद होंगे शादी के लिए तैयार। तो मैं तो यहाँ से ही ऑलमोस्ट तैयार होकर जाऊंगी, ये लोग वहां जाके तैयार होंगे, मैं यहीं से हो जाऊंगी। तो वो भी मैं आपको आज का लुक भी दिखाऊंगी, कल का लुक भी दिखाऊंगी, दोनों अलग अलग डिफरेंट ड्रेसेस हैं। और बताना जरूर कैसी लगूंगी मैं ड्रेस में। तो बस अभी थोड़ा सा कर लेते हैं एंजॉय, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये ब्रेकफास्ट, और अभी ऑमलेट भी आ रही है, ऑमलेट आ रही है हमारी। और क्या आ रहा है? तो बस अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट, सब कुछ आ चुका है। तो विक्ष भी बहुत जल्दी में कि कब मुझे खाने के लिए मिले और मैं खाऊं। अभी हम लोग निकल चुके हैं शादी के लिए। पहले मैंने भी सोचा था कि मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर डिसाइड यही हुआ कि यार इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे और अभी से तैयार होकर क्या करेंगे। तो फिर यही डिसाइड हुआ है, वहां जाके देखते हैं, या तो वहां पर कोई रूम होंगे या अदर से मतलब अलग से कुछ देखेंगे, बट वहीं जाके तैयार होना है। तो हम सब में से कोई भी तैयार नहीं हुआ। तू भी ने न्यू कपड़े पहने हैं बट शादी वाले नहीं पहने, और मैंने तो कुछ भी नहीं, मतलब नॉर्मल सा सूट डाल लिया है। वहां जाके तैयार होंगे, तो अभी हम जा रहे हैं और हमको यहाँ से लगेगा 4 घंटे। और ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत वहां कर लिया था, लेकिन भूख लग रही है फिर से, तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही। और सुबह के टाइम बहुत ही सुंदर लग रहा है जयपुर, बहुत ही ज्यादा एकदम पिंक पिंक बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। सारी शॉप्स वगैरह भी ओपन हो रही हैं। तू भी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। तू भी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं शादी में, आप भी मेरे साथ शादी को एंजॉय करना। जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, ये तो बहुत हम आगे आ चुके थे तो आपको कम बारिश दिख रही होगी। तो यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा स्लो मोशन में बनाया था विक्रांत ने, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था और एकदम हरियाली हरियाली। विक्रांत मेरी लैशेस कैसी लग रही है बताना? ये दिखाना कैमरे में, क्यों रिकॉर्ड कर रहे पहले बताओ। लैशेस तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं यार तुम्हारी, ऐसा लग रहा है जैसे कि 3-4 बार पलक झपक दोगी सामने वाली को हवा लग जाएगी। पंखे की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और तैयार होकर अब जा रहे हैं शादी में। तो अभी मैं पूरा लुक दिखाऊंगी आपको वहीं पर, क्योंकि बहुत ही यार जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ। लेट हो गए थे, पहले होटल गए थे, होटल में फिर थोड़ी देर मतलब चेंज वेंज कराया था, तो विक्ष को तैयार कराया था, तो भी रेडी हो गया है। तो विक्ष को बहुत कम्फर्टेबल कपड़े पहनाए क्योंकि गर्मी है और बच्चा परेशान हो जाएगा। तो और मैं वहां जाके आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी, फिर आपको आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये था राजस्थान में एक जगह लाडू, वहाँ पर ये शादी थी, मतलब कोई विलेज टाइप का ही था, तो वहाँ पर ये शादी थी। तो हम लोग पहुँचे थे तब उनका रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम तो हो चुका था, शादी का ही था, लेकिन हम फिर भी काफ़ी, हमको लगा था कि फिर भी हम काफ़ी टाइम पहले पहुँच चुके हैं। और उसके बाद मैंने बोला था विक्रांत से कि थोड़ा सा मुझे मेरा पूरा लुक दिखा दो, तो मैंने पहनी थी ये साड़ी। और हेयर स्टाइल बहुत जल्दी जल्दी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई थी, तो ऐसे ही हेयर कर लिए थे, बट कैसी लग रही हूँ ज़रूर बता। पर ये स्टेज का प्रोग्राम था। हाँ, और एक और चीज़ मैं पहले बता दूँ, पहली वीडियो में बता चुकी हूँ शादी किसकी थी, ये थे विक्रांत के फ्रेंड। जहाँ पर पहले विक्रांत इन्फोसिस में थे हैदराबाद में, तो वहाँ पर ये फ्रेंड थे दोनों साथ में। अभी तो दोनों अलग अलग कंपनी में, बट तभी से बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं उनके। तो बस यहाँ पर मैं और तुविक्ष बैठे हुए थे, क्योंकि बाहर थोड़ा मेरे को लगा था कि चलो तो हमने फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा सा वो कर लो, अदरवाइज तो ये परेशान कर रहा था। तो हम लोग आकर बैठ गए थे अंदर दोनों।
अभी हो रही है मॉर्निंग और रात की वीडियो आपने देख ही ली थी, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि शूट करने वाली मैं आई थी। और उससे आगे की वीडियो आपको क्यों नहीं दिखी वो मैं रीजन बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग आ गए थे वहां से जल्दी, तो विक्ष हमारे साथ था, ये परेशान कर रहा था और ऊपर से रास्ता बड़ा ही अजीब सा था, गांव वाला रास्ता था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती अकेले आते, तो और भी विक्रांत के फ्रेंड्स थे वो लोग आ रहे थे, तो हमको लगा कि इनके साथ ही हम अपने होटल चले जाते हैं, रेस्ट कर लेंगे वहां पर। हाँ, तो फिर उनका जो था स्टेज वाला प्रोग्राम थोड़ा सा लेट था, तो बारात की वो जो होता है बारात की चढ़ाई वढ़ाई के बाद हम लोग आ गए थे होटल में, होटल में आके रेस्ट करा था और मेरी आईज पर खा गया है बहुत कोई कीड़ा सा, तो बहुत ज्यादा पेन है और हल्की सी स्वेलिंग भी हो रही है, बस इवनिंग तक बहुत ज्यादा स्वेलिंग ना हो क्योंकि आज रिसेप्शन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस जयपुर, क्योंकि जो रिसेप्शन है वो जयपुर में है, शादी यहाँ पर थी तो हम लोग जा रहे हैं जयपुर। तो जितनी भी वीडियो थी वो मैं इसमें दिखा पाई, उससे ज्यादा मैंने शूट ही नहीं करा, तो मैं आपको क्या दिखाती। और हाँ, थोड़ा सा लुक मैंने अपना दिखाया है, साड़ी पहनी थी मैंने, कैसा मेरा लुक लगा आपको वो जरूर कमेंट करके बताना। और एक दो रील भी मैंने बनाई है, अगर आपको रील देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि हम तीनों कैसे लग रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप मिलेंगे रिसेप्शन की वीडियो में।